नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में वन विभाग के अफसर पिछले 4 साल से सावन नाम के हाथी का हर साल धूमधाम से 2 अगस्त को जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर वन विभाग ने बाकायदा स्पेशल फ्रूट केक सावन हाथी को खिलाकर जन्मदिन की खुशियाँ बटोरी। वन विभाग की इस पहल से जंगल में मौजूद हाथियों की कंडीशन, रख रखाव, खाने पीने के काम में भी आसानी हो रही है। साथ ही मानसून पेट्रोलिंग के दौरान हाथियों की अहम भूमिका होती है, जिन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि अन्य जानवरों की आसानी से जान बचाई जा सके। यह है यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटा एलिफेंट कैंप कालागढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व। इस कैंप में वन विभाग ने कर्नाटक से 9 जंगली हाथियों को बुलाया था। इसी बीच एक हाथिनी ने 4 साल पहले मादा हाथी को जन्म दिया था। वन विभाग के अफसरों ने उसका नाम पैदाइश के वक्त सावन रखा था, जिसको लेकर वन विभाग के अफसर पिछले 4 सालों से हाथी सावन का जन्मदिन बड़ी धूमधाम व शिद्दत के साथ मनाते आ रहे हैं। 4 वर्ष से पूरे हो चुके सावन हाथी के लिए वन विभाग ने स्पेशल फ्रूट केक तैयार कर सावन हाथी को खिलाया। वन विभाग के अफसरों का यह भी कहना है कि एलिफेंट कार्बेट टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खास तौर से प्रोटेक्शन मानसून पेट्रोलिंग के दौरान हाथियों को ही इस्तेमाल किया जाता है। वन विभाग का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि हाथियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनका पालन पोषण भी सही रहे। देखिए, बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जी सर, बताएं। आज आज इसका जन्मदिन मनाया गया है, जो सावन हमारे यहाँ जो हाथी है इसका, और ये हर साल हम इसका जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी लोग ये भी परख लें, जांच लें कि हाथियों की कंडीशन कैसी है, इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर इलाज, सारी दवाइयां इनको प्रॉपरली मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, और उसके साथ साथ इनके खाने पीने का, इनके रहने की जगह स्थान का, इसका सभी का प्रबंध ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। एलिफेंट्स जो हैं ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, खासकर प्रोटेक्शन की गतिविधियाँ जो संचालित होती हैं, खासकर मानसून सीज़न में, मानसून पेट्रोलिंग के दौरान, जब जंगल के अंदरूनी हिस्से एक्सेसिबल नहीं रह जाते हैं, उस समय पर हाथियों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती है। तो हमारा पूरा ध्यान और पूरा जोर इस बात पर रहता है कि इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और इनकी मेंटेनेंस भी अच्छी रहे, और इसी के उपलक्ष्य में आज ये जन्मदिन भी मनाया गया है। और इनका पूरा चेकअप कर, कुछ बातें मेरे संज्ञान में लाई गई हैं कि यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की आवश्यकता है एलिफेंट कैंप में, उसकी तरफ भी मैंने निर्देशित किया है कि इसके एस्टिमेट्स और इससे संबंधित समस्त कार्य जो हैं वो जल्दी से जल्दी पूर्ण किए जाएं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।